बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं बना रही हूँ स्पेनिश ऑमलेट, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं, एक बड़े साइज़ का लिया है मैंने प्याज चॉप किए हुए लिए हैं मैंने आलू, हरा धनिया, टमाटर के मैंने बीज निकाल के क्यूब करा है, एक हरी मिर्च के क्यूब बारीक काटेंगे, ऑयल फ्राई के लिए सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, नमक हल्का ज़ायका और पिसी हुई जाएगी इसमें लाल मिर्च। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पहले भी डाल रही हूँ एक पैन में 1 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल, और इसमें मैं डाल रही हूँ आलू, और सारे आलू डालने के बाद मैं इसको करूँगी फ्राई। तेज़ आंच में आलूओं को थोड़ा फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं, लो हाई फ्लेम पर इसको कर रही हूँ फ्राई, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और उनका कलर चेंज हो जाए। देखें कलर चेंज होने लगा है, सॉफ्ट हो गए हैं ये, 5 मिनट लगे हैं इसको पकने के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज को, मैंने चॉप कर लिया है बारीक, ये भी मैं इस प्याज को भी इसी के अंदर ऐड करूँगी। और प्याज को और आलू को दोनों को ही ढक के पकाऊँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। पहले हम आलूओं को और प्याज को करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, लाइक करें। मेरी ये दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला ने हमें जो नागहानी बीमारी वबा की सूरत में जो दी है, अल्लाह ताला सब पर रहम करें, अल्लाह ताला सब पे करम करें। पता नहीं कौन सा गुनाह सरजद हुआ है जो हम लोगों से ये अज़ाब नाजिल हुआ है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर वक्त इस्तग़फ़ार करें। ये डाल रही एक मैं आलू को और प्याज को मैंने पकने रख दिया है। अब मैं डाल रही हूँ एक बॉल के अंदर अंडे तोड़ूँगी मैं, 4 अंडे एक बॉल के अंदर तोड़ लिए हैं देखें, और इसके अंदर ये सारे हरा धनिया बारीक चॉप करके धो के साफ़ कर लिया था मैंने, ये इसमें शामिल करूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, और एक दरमियाने साइज़ का टमाटर, इसके मैंने बीज निकाल के काट लिया है बारीक, इसको भी मैं सारी इस वेजिटेबल को अंडे के अंदर कर रही हूँ मैं मिक्स। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, नमक जाएगा इसमें हसब जायका, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें हसब जायका, और इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ 1 पिंच, मतलब 1 चुटकी। इन सब चीज़ों को मैं मिला रही हूँ फॉक्स की मदद से, इसको करूँगी मैं मिक्स अच्छी तरह से। बीट करने के बाद देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है इसका, उम्मीद है आपको ये ऑमलेट भी बहुत ही पसंद आएगा। 5 से 6 मिनट में आलू और प्याज सॉफ्ट हो गए हैं और थोड़े से क्रंच भी हो गया, कलर चेंज हो गया है देखें इसका, ये पक गए हैं अच्छी तरह से। मैं इसको एक प्याली के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी पैन में से, कोई पानी वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल में मैंने पकाया है इसको। आलू और प्याज के मेज़े को मैं 1 के अंदर ही मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद पैन में मैं पकाऊंगी इसको। ये देखिए पैन में मैंने फिर थोड़ा सा ऑयल डाला है और इस आमेजे को बैटर को सारा ही इसमें डाल दिया है, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये नीचे से बहुत जल्दी से जल जाएगा। इसको सेट करने के बाद मैं इसको ढक के पकाऊँगी 2 मिनट के लिए। ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखें 2 मिनट होने के बाद साइडों से ये बिल्कुल किनारे छूट के पक गया है और किनारे हो गए हैं ब्राउन। मैं इसको करूँगी अब टर्न, हल्के से एहतियात से टर्न करना है स्टेज पे, और देखें ये पक गया है बिल्कुल, थोड़ा फल्फी बनेगा ये और थोड़ा हेवी भी होता है, मतलब आपकी अगर फैमिली बड़ी है तो उसके लिए तो बहुत ही सूटेबल रहेगी ये रेसिपी। ये मैं आपको काट के दिखाती हूँ, देखें इतना थिक बन के तैयार हुआ है हमारा मज़ेदार सा स्पेनिश ऑमलेट।
ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। फिर लौट के आऊँगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।